हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बजट फ्रेंडली डाइट जो मैं लगभग 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ, कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं है, जो भी प्रॉफिट मनी मिलती है मुझे 1000-2000 रुपये, उसी से मैंने अपना जब मैंने जिम स्टार्ट की थी तब मेरा वजन लगभग 50 किलो था और आज मेरा वजन 62 किलो है, जो मैंने अपनी इस नॉर्मली डाइट से किया है। और मेरा बॉडी फैट लगभग 10 से 12 या 12-13 के आसपास है, काफ़ी ठीक ठाक है। तो आपको आज उसी डाइट के बारे में हम बात करेंगे, एक अफोर्डेबल डाइट 2-3 हज़ार रुपये में हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जरूर मुझे फॉलो करें। कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड और फिटनेस से रिलेटेड आप तो वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में फूड आता है, वो है प्रोटीन। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है बिग मसल्स का, बस मैं बता रहा हूँ आपको बताने के लिए, मैं काफ़ी डिब्बे यूज कर चुका हूँ। सबसे पहली है, सबसे ज़रूरी है कि हमारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो। अगर आप बजट थोड़ा आपका कम है तो आप ये 1300 या 1400 रुपये का बिग मसल्स का आता है और इसमें लगभग कितने सर्विंग होते हैं, इसमें लगभग 33 सर्विंग होते हैं जो आपके एक महीने की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। लगभग 30-40 रुपये का एक स्कूप पड़ेगा। ये है सबसे पहला सप्लीमेंट, क्योंकि आप अगर एक ही स्कूप लेना है आपको अगर बल्किंग कर रहे हैं, उसके बाद आप खाने से अपनी पूरी करें। और हमारी लिस्ट में दूसरा आता है मेन फ्रूट है, वो है अंडे। अंडे एक बेस्ट प्रोटीन सोर्स हैं जो हम कम पैसों में ले सकते हैं। एक अंडे की क्रेट जो लगभग 30 रुपये की आती, वो सॉरी 30 अंडों की आती है, लगभग 150 या 160 रुपये की आती, 5 रुपये का अंडा पड़ता है। एक होल एग में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है और लगभग पूरे एग में 70 या 80 ग्राम कैलोरी होती है, जो एक सबसे सस्ता और चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स और कैलोरी सोर्स है जो हम ले सकते हैं। इसे खाने के लिए आप क्या करें, जब भी जिम जाएँ जिम से पहले 2 या 3 एग होल एग खा कर जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है होल एग खाने में। और जिम से आने के बाद आप खाएँ 2 या 3 एग खा लें तो आप अपनी डाइट में 5 या 6 एग ऐड कर सकते हैं, तो लगभग 30 रुपये के आसपास आपके एग पड़ेंगे। ये बहुत ही चीपेस्ट हैं। तो आप दूसरी चीज़ आपको ये ऐड करनी है, तीसरी हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम जिम जाते हैं तो हमें अपना वर्कआउट अच्छे से हो, तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। उसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला था ओट्स, ये वन ऑफ द बेस्ट कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है जो बिगनर, इंटरमीडिएट और जो प्रोफेशनल वाली बिल्डर हैं वो भी यूज करते हैं। ये लगभग 80 रुपये का है जो मैं लेता हूँ और इसमें 400 ग्राम का पैकेट है ये, तो आप लगभग रोज 40 या 50 ग्राम ओट्स ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। और इसे आपको एज आ पोस्ट वर्कआउट या एज आ प्री वर्कआउट में भी ले सकते हैं, ताकि हमें रिकवरी हो और हमें अच्छा पंप मिले और जब हम वर्कआउट करें तो हमें थकावट ना हो। तो ये होंगी 3 चीज़ें। उसके बाद चौथी चीज़ है, वो एक चीज़ और है, वो है पीनट बटर। अगर आप ये कोई नेसेसरी नहीं है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। ये बेस्ट है अगर आप अपनी फैट और प्रोटीन का गोल पूरा नहीं कर पा रहे हैं डाइट से, तो आप इसको ले सकते हैं। ये बेस्ट सोर्स है, कम पैसों में है, लगभग 250 रुपये का आता है और आपका ये एक चम्मच आप रोज खाएंगे तो आपका एक महीने से ज़्यादा चल जाएगा। तो ये सब मिलाकर लगभग 1300 रुपये का ये, और हम अंडे 5 या 6 अंडे खाएंगे रोज, 6×5=30, तो हमारी एक क्रेट लगभग 6 या 7 दिन चलेगी, तो 700-800 रुपये वो हो गए, 2000 रुपये, 18 रुपये से तो हाँ 2000 हो गए, और हम 2 से 3 पैकेट ओट्स के खा पाएंगे महीने में, तो 7×21=210 रुपये ये हो गए और 250 रुपये का ये। बस इतनी कहानी है आपकी, 2200 से 2500 रुपये में एक परफेक्ट मील हो जाएगी, परफेक्ट डाइट प्लान हो जाएगा आपका। उसके बाद ही आपका घर का जो खाना बने नॉर्मल 3 से 4 रोटी आप वो खाएं और आप थोड़ा समय दें। क्या होता है कि आप अगर ये खाएंगे या कोई भी डाइट लेंगे तो आप 5-7-10 दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अगर आप यही डाइट लगातार 3-6-8 महीने फॉलो करेंगे तो आपको अपनी बॉडी में ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। मुझे भी मिला है, मैंने अपना वेट 50 से 60 किलो किया है, लगभग अभी 62 के आसपास है, मैं और बढ़ा रहा हूँ।
दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।